हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं इस लेक्चर में एमपी स्पेशल के फोर्थ पार्ट की, जनांकीय परिदृश्य। ये चौथा पार्ट है दोस्तों, एमपीपीएससी और एमपी अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आपको बता दें यहाँ कि जनगणना के बारे में बात करें तो 200 अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना की जाती है। 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना विभाग बना 1961 में और जनगणना अधिनियम आया 1948 में। आपको बता दें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यहाँ हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की 15वीं जनगणना थी जी, और इसका ये इसकी इसका देहे वाक था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपको बता दें जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर, चीन पहले पर। और बता दें 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की 7वीं जनगणना थी। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, छठवें स्थान पर है भारत में जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश। देश की कुल पॉपुलेशन की 6% है एमपी में। आपको बता दें जनसंख्या के आधार पहले स्थान पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल पॉपुले जनसंख्या के 51.79% पुरुष हैं और महिलाएं हैं 48.21%। आपको यहाँ बता दें 2021 जनगणना में मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 6,34,348,023। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लें यहाँ तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है और भारत में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान पहले नंबर पर। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर। पहले स्थान पर रूस, फिर कनाडा दूसरे पर, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए एमपी के बारे में बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर 32,76,657, और सबसे कम है हरदा 57,570,465। आपको बता दें निवाड़ी अभी नया जिला बनाया हुआ है 2018 में, इसकी जनसंख्या कुल है 4,01,000, सबसे छोटा जिला यही माना जाएगा। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिला सबसे छोटा है। आपको यहाँ बता दें जनसंख्या के आधार पर पांच जिले देख लें, सबसे ज़्यादा इंदौर में है, फिर इसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, और सबसे कम जनसंख्या के आधार पर जिले हैं हरदा, उसके बाद उमरिया, शिवपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा 11,815 वर्ग किलोमीटर, दतिया है सबसे छोटा। आपको बता दें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले अली छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद शिवपुरी, सागर, बैतूल, बालाघाट, उसके बाद न्यूनतम है भोपाल, उसके दतिया के बाद है भोपाल, फिर अलीराजपुर, हरदा, बुरहानपुर। चलिए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो भारत में 7वें स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मामले में एमपी, यहाँ का 236 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में भोपाल पहले नंबर पे, इसके बाद है इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर ग्वालियर, मुरैना, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी, डिंडोरी के बाद है शिवपुर, पन्ना, उमरिया। चलिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं। यहाँ बता दें 2001 में वृद्धि दर रही थी एमपी की 24.26%,
की बार रही है 2011 की जनगणना के अनुसार 20.3%। आपको बता दें जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में इंदौर 32.7% रहा है। फिर आपको बताएं आप जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में इसके बाद रहा इंदौर के बाद झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले रहे अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। 9वें स्थान पर जनसंख्या के मामले में भारत में। अगला है लिंग अनुपात। आपको बता दें लिंग अनुपात 2001 में रहा जनगणना में 920 और 2011 की जनगणना में रहा 931। भारत में 18वें स्थान पर लिंग अनुपात के मामले में एमपी। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात बालाघाट में 1021, भिंड में 837। आपको यहाँ बता दें हम कि ग्रामीण लिंग अनुपात है 936 और इस मामले में बालाघाट में सबसे ज्यादा है, भिंड में कम है। और शहरी है 918, इसमें बालाघाट में सबसे ज्यादा है, भिंड में सबसे कम है। यहाँ सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की बात कर लें हम तो अलीराजपुर, बालाघाट के बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। और न्यूनतम जिलों की बात करें तो भिंड के बाद है मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। शिशु की देख लें लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वाले में, तो इसमें आपको बता दें कि 19वें स्थान पर भारत में एमपी। इसमें अलीराजपुर, डिंडोरी, बालाघाट सबसे ज्यादा है और न्यूनतम है शिशु लिंग अनुपात में मुरैना, ग्वालियर, भिंड। ठीक है, अब साक्षरता के मामले में बात करें तो भारत में एमपी है 21वें नंबर पर 69.3। सबसे ज्यादा साक्षरता जबलपुर में है 81.1, सबसे ज्यादा अलीराजपुर। यहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो इन जबलपुर के बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। और सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर के बाद झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर, धार। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है एमपी में इंदौर, जबलपुर, भोपाल, बालाघाट, मंदसौर, भिंड। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। महिला साक्षरता की बात करें तो एमपी में 59.25%। इस महिला साक्षरता में मध्य प्रदेश में जिले हैं सबसे ज्यादा साक्षरता है भोपाल, जबलपुर, इंदौर में। और सबसे कम साक्षरता वाले मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता वाले जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। आपको बता दें जन्म दर रही एमपी की 26.3 प्रति हजार व्यक्ति और मृत्यु दर रही है 8.0 प्रति हजार व्यक्ति। शिशु मृत्यु दर रही है 54 प्रति हजार जीवित जन्म पर। शहरी व ग्रामीण जनसंख्या देखें तो शहरी जनसंख्या के मामले में एमपी है 8वें स्थान पर भारत में और ग्रामीण में 6वें स्थान पर। शहरी जनसंख्या है कुल एमपी की जनसंख्या की 27.63% और 72% है 37% ग्रामीण जनसंख्या। यहाँ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं डिंडोरी, अलीराजपुर, सिंधी। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिलों की बताएं तो ये हैं डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। अनुसूचित जाति की बात करें हम यहाँ, अनुसूचित जाति एसटी की कुल जनसंख्या है 1,13,42,320। कुल मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की 15.6%। और आपको बता दें जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर और प्रतिशत के मामले में 17वें स्थान पर है, 17वां स्थान पर। जनसंख्या के मामले में बता दें अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा इंदौर में, उज्जैन में, सागर में। और सबसे कम जनसंख्या के आधार पर वाले जिले हैं अनुसूचित जाति वाले जिले झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। और प्रतिशत के आधार पर बता दें तो अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले जिले हैं उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। और सबसे कम प्रतिशत वाले जनसंख्या वाले जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। एसटी की बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसकी
कुल जनसंख्या 1,53,16,784। यह एमपी की कुल जनसंख्या की 21.1% है। जनसंख्या के मामले में बता दें, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पहले नंबर पर आता है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। जनसंख्या के मामले में एसटी के अनुसूचित जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है धार, बड़वानी, झाबुआ में, और सबसे कम जनजाति है एमपी में भिंड में, दतिया, मुरैना में। और प्रतिशत के मामले में 10वें स्थान पर है एमपी में अनुसूचित जनजाति। इसमें प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर में सबसे ज्यादा है, फिर झाबुआ, बड़वानी में। सबसे कम प्रतिशत के मामले में अनुसूचित जनजाति है भिंड में, मुरैना और दतिया में। आप विभिन्न धर्म की बात कर लें तो आपको बता दें, एमपी में हिंदू धर्म 99.88% है, और इसकी हिंदू समाज की साक्षरता है 62.8%। मुस्लिम है कुल जनसंख्या का 6.57%, इसकी साक्षरता है 70.3%। मध्य प्रदेश में जैन है 0.70%, इसकी साक्षरता है 96.2%। बौद्ध है हमारे एमपी में 0.30%, इसकी साक्षरता है 74.4%। एमपी में ईसाई है 0.29%, इसकी साक्षरता है 85.8%। सिख है 0.20%, इसकी साक्षरता है 82.9%। अन्य है 0.96% अन्य समुदाय है। चलिए दोस्तों, तो हमने फोर्थ पार्ट देख लिया एमपीपीएससी का, के लिए एमपी स्पेशल का। अगले लेक्चर में हम पार्ट पाँच पे फाइव की बात करेंगे, या पाँच भाग पाँच की बात करेंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।